नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पर्यावरण व पर्यटक स्थल को दूषित करने वालों के विरुद्ध जिले भर में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पर्यटक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने व हुड़दंगम मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक व पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने तथा हुड़दंगम मचाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे मिशन मर्यादा अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जिले भर में पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत पर्यटक व धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग करने व पर्यावरण को दूषित करने पर 42 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान कर 11,750 रुपये समायोजन शुल्क जमा किया गया। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तापमान में वृद्धि व फायर सीजन के चलते वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दावानल की चपेट में आ रहे जंगलों में वन संपदा को खासा नुकसान तो पहुंच ही रहा है, वहीं जंगली जानवरों के लिए भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। वर्तमान में बारिश न होने के कारण नमी सूखने से जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। जंगलों की आग से उठ रही धुंध जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य तहसील क्षेत्रों में भी छाई हुई है। धुंध छाने से विजिबिलिटी कम हो गई है। वनाग्नि की घटनाएँ चीड़ के पेड़ों की अधिकता वाले जंगलों में ज़्यादा घटित हो रही हैं। हालांकि पूर्व से ही वन कर्मियों द्वारा पिरूल सफाई आदि को लेकर कार्य भी किए गए हैं, पर लगातार गिर रहे चीड़ की पत्तियों के कारण आग फैलती जा रही है। जिला मुख्यालय के निकट सहित कनालीछीना तेजम सहित जिले के अन्य तहसील क्षेत्रों के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। इधर जंगल में लगी आग की सूचना मिलने पर वनकर्मी अपने उपकरणों के साथ आग की रोकथाम को स्थल पर पहुंच रहे हैं, पर पहाड़ियों में लगी आग के कारण आग बुझाने में भी वनकर्मियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से सटे सुकौली क्षेत्र में आजकल अराजक तत्वों की बढ़ती संख्या से क्षेत्रवासी परेशान हैं। परेशान क्षेत्र के लोगों ने टीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त हेमा थलाल व छासंग उपाध्यक्ष मुकेश मेहता की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन क्षेत्र में पुलिस चेक पोस्ट खोले जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यालय के निकट होने व शांत क्षेत्र होने के कारण नशेड़ी व अराजक तत्वों की संख्या यहां लगातार बढ़ते जा रही है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नशा करने पहुँच रहे युवा यहाँ पर अभद्रता भी कर रहे हैं, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होने लगा है। क्षेत्रवासियों ने बढ़ती अराजकता पर अंकुश लगाने को लेकर शीघ्र क्षेत्र में पुलिस चौकी खोले जाने की मांग की है। बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।